हे गाइस, आई एम वंदना मुखर्जी। वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन सूप। इफ यू लाइक माय रेसिपी, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। ये चिकन मंचूरियन सूप बहुत ही टेस्टी होते हैं एंड इजी। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद है। तो चलिए चिकन मंचूरियन सूप बनाने के लिए क्या क्या लगते हैं देख लेते हैं। पत्ता गोभी, इसको हम थोड़ा सा लेके बारीक चॉप की है। बीन्स, ये भी थोड़ा सा दो चार लेकर इसको बारीक चॉप की है। गाजर, इसको भी बारीक चॉप की है, थोड़ा सा ली है। कैप्सिकम्स, ये भी थोड़ा सा लेकर बारीक चॉप की है। सब्जी को परिमाण हम जो डाले हैं, आपको चाहिए बड़ा भी सकते हैं और कम भी। चिकन ली है 100 ग्राम, इसको एकदम कीमा बना के बोनलेस चिकन, और हम बॉईल कर लिए है अच्छा से। इसको जो स्टॉक है यहीं पर रख दी है। रेड चिल्ली सॉस ली है 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, काली मिर्च डस्ट थोड़ा सा रखे हैं, कॉर्नफ्लोर रखे हैं 1 चम्मच, बटर ली है 1 टुकड़ा, रिफाइंड ऑयल रखे हैं। ये है नूडल्स, इसको हम तेल में हल्का सा फ्राई कर ली है। विनेगर ली है 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, ग्रीन चिल्लीस ली है 1 बड़ा साइज, इसको हम बारीक चॉप कर ली है। आपको चाहिए तीखा खाना पसंद है तो बड़ा भी सकता है। और यह अदरक, अदरक थोड़ा सा लेकर इसको बारीक चॉप की है। लहसुन 4-5 पीस कलियां लेकर इसको बारीक चॉप की है। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं, एक कढ़ाई ले लिया, ऑयल डालते हैं। ऑयल तो सूप में एकदम कम डालेंगे, ये 1 चम्मच हम डाल दिए हैं। तेल गरम हो गया, पहले लहसुन को छोड़ देते हैं। अदरक छोड़ देते हैं, ग्रीन चिल्लीस छोड़ देते हैं। ये ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे। ये सूप बनाना है ऐसे कि ये चाइनीज डिश है। देखिए ये हल्का सा फ्राई हो गया। हम सब्जी एक एक करके डाल देते हैं। पत्ता गोभी, बीन्स, कैप्सिकम, गाजर, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर ये जो कच्चापन है ये दूर हो जाएगा। हम चिकन में नमक नहीं डाले हैं, अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ये हल्का सा फ्राई हो गया, ऊपर से हम चिकन को जो स्टफ बने हैं ये डाल देते हैं। चिकन में हम छोटा ग्लास के हिसाब से 1.5 ग्लास पानी डाला था। इसमें हम ऐड करते हैं काली मिर्च, आपको जितना तीखा खाना पसंद है आप थोड़ा सा ही डाले हैं। ये जो रेड चिल्ली सॉस रखे हैं ये डाल देते हैं। सोया सॉस डाल देते हैं। और एक साथ मिक्स कर देते हैं। चिकन जो ली है इसको बॉईल करके रखे हैं, ये डाल देते हैं। और हल्का सा इसको बॉईल करते हैं।
देखिए ये जो कॉर्नफ्लोर है ये हम पानी में घोल ली है, ये डायरेक्ट इसको मिक्स नहीं करते हैं क्योंकि इसमें लम्स रह जाते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हमको डालना है जैसी थिकनेस मेरे को चाहिए। अभी ये थोड़ा बॉयल होगा, बाद में हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। देखिए ये उबाल भी आ गया और सब्जी ये तो बारीक चॉप्ड है, ये बॉयल भी हो गया। जो विनेगर रखा था हम डाल देते हैं, हम थोड़ा सा डालते हैं, आपको जितना खट्टा खाना पसंद है आप डालिएगा। ये जो कॉर्नफ्लोर है इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए और ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए अभी और थिकनेस जरूरी है तो थोड़ा और डालते हैं। ऐसे हम इसको चलाते रहें। ये बहुत इजी, सिंपल एंड टेस्टी। ये जो थोड़ा बचा है ये डाल देते हैं। क्या हुआ, मेरा जो मेजरमेंट था ये पूरा ही लग गया। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को हम जो घोले हैं ये पूरा ही लग गया और थिकनेस भी अच्छा हो गया। इसको ज़्यादा उबालेंगे नहीं तो गाढ़ा बन जाएगा। ये गैस बंद कर देते हैं। ये गैस बंद करने के बाद हम बटर ली है, ये जो बटर इसको डाल देती है। इसको फटाफट जल्दी खाना है क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा बाद में। ये जो नूडल्स हम फ्राई करके रखे हैं इसको ऊपर से हम डाल देते हैं। चिकन मोंचाओ सूप रेडी हो गया, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।